नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। कैसे बने आरएएस? आरएएस की कहानी उन्हीं की जुबानी, और आज हमारे साथ है संदीप से। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है आरएएस बने? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से सभी लोग, परिवार वाले, गाँव के मित्र सभी बधाइयाँ दे रहे हैं, इससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सर, आपकी बर्थ प्लेस क्या है? मेरे बर्थ प्लेस है झुंझुनू में, एक गाँव है टमकोर, वहाँ पे। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से? मेरी प्राथमिक शिक्षा तो गांव से ही हुई, उसके बाद में मैंने 12th यहाँ जयपुर से की। और कॉलेज और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वयं पाठी के रूप में की है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने इंटरव्यू भी किया है, तो इंटरव्यू किस बेसिस पे होता है, कितना टफ होता है? इंटरव्यू अपनी जो तैयारी होती है शुरुआत से, प्री, मेंस, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, तो ये पूरी तैयारी का एक विवरण होता है इंटरव्यू। कोई इसमें टफ नहीं होता है, जैसे जैसे अपन तैयारी करते जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, इसी का परीक्षण होता है इंटरव्यू। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, सबके अंदर ऐसे खौफ होता है, तो कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं आप कि आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? देखो, खौफ तो कोई भी अपन इम्तिहान देते हैं तो खौफ होना तो लाजिमी बात है, लेकिन क्वेश्चन जैसे कि खुद के बारे में, आपने ग्रेजुएशन आपने कहाँ की है, आपका जैसे होम टाउन कौन सा है, अभी करंट के इश्यू क्या क्या चल रहे हैं, इनसे रिलेटेड ही इंटरव्यू होता है, और मेरा इंटरव्यू तो इन्हीं सब चीज़ों से इर्द गिर्द रहा था। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है? इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस रखना, जो चीज़ें आपने अध्ययन किया है उसके प्रति अपने कॉन्फिडेंस रखना और खुद पर विश्वास रखना। आपको आरएएस बनने की प्रेरणा किससे मिली? ये प्रशासन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिसमें अपन देखते हैं कि अपन सभी क्षेत्र में एक डाइवर्सिटी होती है, सभी क्षेत्र में अपन काम कर सकते हैं और समाज के पूरे तबके को अपन एक साथ इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, तो उसी से ही अपने को प्रेरणा मिली कि अपन इस प्रकार कार्य कर सकते हैं। आप कोई टिप्स या ट्रिक्स हमें ऐसे बताना चाहेंगे इसके आरएएस बनने के लिए, सिविल एग्जाम्स के लिए, कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए? देखो, आरएएस का एक जैसे कि अपन इसका वो देखते हैं टाइम टेबल, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया, 2 से 3 साल लग जाते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी टिप्स यही है कि आप कंटिन्यूटी रखो बस अपने अध्ययन में, चाहे 1 घंटा कम पढ़ लें लेकिन डेली पढ़ें। कोई ऐसी बुक्स या फिर ऐसी कोई नोट्स की ट्रिक्स की ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए? बुक्स तो मार्केट में अलग अलग राइटर की आती हैं, रही बात नोट्स की, तो वो तो हर बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार अपना अध्ययन करता है। जैसे जो गाँव की एजुकेशन है आज भी, उसमें मतलब अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है बच्चों को, और जो लेवल है वो भी थोड़ा लो है, इंग्लिश को भी आजकल इतना महत्व नहीं दिया जाता, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, गांव की एजुकेशन जो अभी तक चल रही है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अभी तो 1-2 एग्जाम हुई है टीचर्स की, जो रिक्रूटमेंट 1st ग्रेड 2nd ग्रेड या रीट की, उसमें वो बच्चे आए हैं जो खुद तैयारी कर रहे थे, आरएएस है, आईएएस है, तो वो क्या बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, वो 11वीं 12वीं के स्तर पे लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आप आर्ट्स फील्ड में जाओगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, साइंस में जाओगे तो ये अपॉर्चुनिटी है, कॉमर्स में ये है, तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको 12वीं स्तर पे ये चीज़ें पता चल रही है, जो शायद हमें नहीं मिली थी BA MA के बाद में हमें प्राप्त हुई, वो उनको 12वीं स्तर पर मिल रही, तो ये बहुत अच्छा अपने ग्रामीण क्षेत्र के एजुकेशन में बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो आत्मनियंत्रण की चीज़ है, इसको अपन किसी को कह के ये नहीं कह सकते कि आप ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये तो खुद पे स्वतः नियंत्रण। आपने किसी कोचिंग ली थी? नहीं, मैंने स्वयं पढ़ा। तो आप क्या ये मानते हैं कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी, कोचिंग इम्पोर्टेंट है या सेल्फ स्टडी? दोनों ही बहुत, कोचिंग इम्पोर्टेंट है दोनों, तो कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, अगर कोई चीज़ अपन नहीं समझ पाते हैं तो कोचिंग करनी चाहिए। आप आजकल की जो यूथ है उसे क्या कहना चाहेंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि जो सिविल एग्जाम्स होते हैं बहुत टफ होते हैं, तो उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, एक बच्चा होता है अगर वो चलना सीखता तो उसके लिए वो चलना भी एक टफ होता है, तो सिविल एग्जाम अगर अगर अपन पढ़ाई करते हैं तो वो एक टफ नहीं है, वो अपन कर सकते हैं उसमें जो अपन चाहें। तो ये थी आरएएस की कहानी उन्हीं की जुबानी। देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।